हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीडी चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां फ्रेंड्स, एक आरआरसी से यहां पर आरटीआई का रिप्लाई आया है। कैंडिडेट्स ने जो है आरटीआई किया था कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, तो वहीं पर जो है कैंडिडेट्स को जो है आरआरसी के द्वारा रिप्लाई दिया गया है। तो बहुत छात्र जो है ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं कर रहे, आखिर क्या रीज़न है? वहीं पर बात करें तो वेटिंग वाले छात्रों की अब इसके बाद जो है बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर जो है ग्रुप डी ज्वाइन न करने के कारण जो है वेटिंग वालों छात्रों की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल अपडेट या जो हम बोल सकते हैं कि आरटीआई रिप्लाई क्या है। इससे पहले जो चैनल पर नए प्ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेडिकल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट ने जो है आरटीआई किया था, ठीक है, 1/3/2024 को साउथ सेंट्रल रेलवे में जो है आरटीआई किया था, और उन्होंने जो है कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं और इसी को जो है आरटीआई का जो है इनका डिस्पोज हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ बता देते हैं कि जो इनको पीडीएफ मिला था उसका जो है स्क्रीनशॉट में जो क्वेश्चन आपसे इनसे इन्होंने जो पूछे थे तो आपका उसको रिप्लाई दिया गया है। देखिए, पहला जैसे क्वेश्चन था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव नॉट ज्वाइंड इन ऑल डिवीजन एज ऑन डेट। तो इसे हम ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है उनके द्वारा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था। देखिए, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा इन्होंने जो आरटीआई लगाई थी 1 तारीख को और 5 तारीख को इनका जो है रिप्लाई भी दे दिया गया है। अब नीचे आएंगे तो देखिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। जैसे पहला क्वेश्चन था, सी एन नंबर RRC 09/2019, मतलब कि ग्रुप डी के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन पहले था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव नॉट ज्वाइंड इन ऑल डिवीजंस एज ऑन डेट, मतलब कि जब इन्होंने 1 तारीख को आरटीआई किया तो उस डेट तक जो है कितने कैंडिडेट्स ने जो है सारे जोन्स, मतलब कि सारे डिवीजन जो SCR साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं उनमें ज्वाइन नहीं किए। तो यहाँ पर रिप्लाई दिया गया, देखिए, 345 पेपर्स रिटर्न एज ऑन डेट, मतलब कि 345 जो है 345 कैंडिडेट्स के जो है पेपर्स रिटर्न मिले हैं, मतलब कि कैंडिडेट्स ने जो है ज्वाइन नहीं किया। 345 कैंडिडेट ने यहाँ पर ग्रुप डी ज्वाइन नहीं किया है 1 मार्च 2024 तक के। वहीं पर अगला जो है दिया गया, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइंड इन ऑल डिवीजन्स और हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन ऑल डिवीजन्स, मतलब कि सारे डिवीजन में कितने कैंडिडेट्स ने जो है रिजाइन दिया है और सारे डिवीजन में कितनी वैकेंसीज अभी खाली है। तो इधर जो है ट्रांसफ़र टू केडर, मतलब कि जो इनके केडर्स या डीलिंग क्लर्क वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको जो है ये ट्रांसफ़र किया गया है। तो उसका हो सकता है इनको रिप्लाई बाद में मिले, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो है फाइनल इनका जवाब हो गया कि इसके जो है प्रोसेस के लिए जो ये सारे जो है ये दो क्वेश्चन के आंसर के लिए जो है ट्रांसफ़र केडर को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माय ओवरऑल रैंक एंड स्कोर, मतलब कैंडिडेट ने अपना जो है स्कोर भी पूछ लिया और उसकी रैंक भी पूछ ली थी। तो 12,899 इनकी रैंक थी और इनका स्कोर जो है 56.1251 था। वहीं पर बात करें तो पांचवा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा था, व्हेन विल बी रिप्लेसमेंट डीवी कंडक्टेड, मतलब कि रिप्लेसमेंट डीवी कब तक हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि थर्ड डीवी इंक्लूड्स, मतलब कि थर्ड डीवी को मिला करके ही यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफ 345 पेपर्स रिसीव्ड, मतलब कि 345 कैंडिडेट्स के जो है पेपर रिसीव हुए, मतलब बोल सकते हैं कि थर्ड डीवी को मिला करके रिप्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 345 पेपर इनको रिसीव हुए। उसके बाद ये बोला गया है कि व्हेन विल फोर्थ डीवी रिलीज, मतलब कि फोर्थ डीवी कब तक के होगा। तो इन्होंने बोला हाइपोथेटिकल क्वेरी, मतलब कि ये जो है फ्यूचर के बारे में कभी भी ये रिप्लाई नहीं देते कि कब क्या होने वाला है, लेकिन जो इनके पास डाटा रहता है जो पहले बीत चुका है पास्ट में, तो उसके रिगार्डिंग जो है इनको जो है आरटीआई का रिप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई। SCR वाले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स वेटिंग में है तो वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 345 कैंडिडेट्स ने अगर यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो मतलब कि 345 अभी और वैकेंसी लगभग इतनी तो कम से कम खाली है ही SCR में, और इसके ऊपर भी है, लेकिन जो है मिनिमम अभी 345 तो आप मान करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।